Hi, this is Nitin Sahu from Nitin Photography. I'm going to show you a super simple way to change lips color. This will look like realistic lips. मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे जो है लिप्स का कलर चेंज करते हैं फोटोशॉप में, और ये बिल्कुल रियलिस्टिक लिप्स के जैसा दिखेगा। तो आइए देखते हैं कैसे फोटोशॉप में लिप्स का कलर चेंज करते हैं हम। सबसे पहले आपको एक अपनी इमेज फोटोशॉप में ओपन करना होगा। आप यहाँ फाइल में जाके ओपन कर सकते हैं या न्यू ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ से पहले ही एक इमेज ओपन कर रखी है। अब यहाँ पर फोरग्राउंड कलर जो है ब्लैक रखना होगा हमें, और ब्रश सिलेक्ट कर लेते हैं हम। यहाँ से ये नॉर्मल रहेगा और कैपेसिटी इसकी 100 ही रहेगी, फ्लो भी 100 रहेगा। अब मैं क्विक मास्क पे क्लिक करता हूँ। और इमेज को थोड़ा जूम कर लेता हूँ जूम बटन से। स्पेस बटन दबा के मैं इमेज को मूव कर सकता हूँ जिस और मुझे ले जाना है। ओके, फोरग्राउंड कलर हमारा यहाँ पर ब्लैक सेट है, ब्लैक ही रहने देना है। अब ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और लिप्स के ऊपर रेड कलर फिल कर देता हूँ। आपको पूरे जैसा लिपस्टिक लगाते हैं उस तरीके से पूरा रेड कलर फिल करना है यहाँ पे। वी केयरफुली ऑन दिस साइड। नाउ क्लिक क्यू बटन फ्रॉम योर कीबोर्ड। अब आपको क्यू बटन दबाना है अपने कीबोर्ड से, जिससे जो है हमारा पेंट किया हुआ एरिया जो है सिलेक्ट हो जाएगा। बीच हम सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं और इनवर्स पे भी हमें यहाँ जाना होगा, और सॉलिड कलर सेलेक्ट करना होगा। कलर हम लेते हैं रेड। ओके, यहाँ से हम डार्कन कर देते हैं, तो कुछ हमारी जो है इमेज की लिप्स इस तरीके से दिखेगी। और हम इसे दूसरे तरीके से भी चेंज कर सकते हैं जिससे और अच्छी दिखेगी। सॉफ्ट लाइट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, तो अभी और अच्छी दिख रही है। सॉरी, सॉफ्ट लाइट कलर। मैं इमेज को जूम कम कर लेता हूँ इसका। अभी आप देख सकते हैं लिपस्टिक ओरिजिनल लिपस्टिक जैसे ही दिख रही है। हम इसका कलर रेड के अलावा और दूसरे भी चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर डबल क्लिक करना होगा जिससे कि कलर पिक बॉक्स हमारा ओपन हो जाएगा, और यहाँ से मैं जो भी कलर चाहिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ये कलर हो गया, ये हो गया, या फिर हम डायरेक्ट डार्क रेड ले सकते हैं, पिंक ले सकते हैं। ठीक है, पिंक ले लेते हैं। और आप थोड़ा कम लाइट रखना चाहते हो ह्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं, इससे भी आपके इमेज की लिप्स अच्छी दिखेगी। यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से।
लेकिन हम इसे अभी सॉफ्ट लाइट में रखते हैं। हम उसे और भी अच्छी बनाना चाहते हैं। मैं अभी कंट्रोल बटन होल्ड करके रखता हूँ और इस ब्लैक वाले लेयर पे जो है क्लिक करता हूँ। मुझे ये बॉक्स बना हुआ दिखेगा जैसे ही मैं कंट्रोल बटन प्रेस करता हूँ तो, और इसके ऊपर क्लिक करना होगा तो ऑटोमेटिकली जो है लिप्स वाला एरिया जो है सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करता हूँ और ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं इसकी कॉन्ट्रास्ट को -31 करता हूँ और ब्राइटनेस को भी 98 -98 पे रख देता हूँ, या फिर जैसा आप चाहते हैं उस तरीके से आप रख सकते हैं। आप मुझसे भी अच्छी बना सकते हैं। ये हमारा थोड़ा और रहा, दूसरा कलर दिख रहा है हटके, ये पहले था और ये ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट करने के बाद इस तरीके से। अब मैं चाहे तो और रेड कलर रख सकता हूँ इस पे, इसकी ओपेसिटी कम कर सकता हूँ, और जैसा भी आपको कलर सूटेबल लगे आप वैसा रख सकते हैं। फिर से हम एक बार डार्कन करके देखते हैं इसमें हमारी इमेज किस तरीके से दिख रही है, इस तरीके से। और कलर भी चेंज करके देख लेते हैं, पिंक कलर। ओके, ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कैसे बड़े आसानी से हम जो है लिप्स का कलर चेंज कर सकते हैं। आप भी करके देखिए और शायद आप इससे अच्छी कर सकते होंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ आपसे। शायद अभी मेरे ख्याल से अभी लिप्स हमारी अच्छी दिख रही है, हम ऐसे ही रहने देते हैं इसे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करें, और अगर पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करें। और अगर आप हमारे और भी वीडियो देखना चाहते हैं और आने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। या फिर आपको कुछ पूछना है हमसे तो नीचे जो कमेंट बॉक्स दिए हुए हैं आप वहाँ पर टाइप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।